सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं जानता हूँ आपको बीटेड से संबंधित अपडेटेड न्यूज चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक जो क्वालिफाइड है उनका ग्रुप और जो क्वालिफाइड नहीं है उनका ग्रुप। तो चलिए दोनों ग्रुप से आज हम बात करते हैं। एक अशोक क्रांति जी से पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या रणनीति उनकी है, क्या आगे उनका प्रोग्राम है, और साथ में हम क्वालिफाइड ग्रुप को जो रन कर रहे हैं रिंकू जी के बारे में मैं बता दूं। रिंकू जी एक एडवोकेट हैं, पूरा नाम उनका रिंकू मिश्रा है, तो उनसे भी आज हम बात करेंगे ताकि ये भी पता चले कि उनकी रणनीति क्या है और वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर पहुंचेंगे हम लोग निष्कर्ष पे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अशोक क्रांति जी से। तो अशोक क्रांति जी को फोन लगाया जाए। अशोक क्रांति जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है हिंदी क्लब में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राज जी कि आपने मुझे फिर से याद किया। अच्छा, अभी आप लोगों का क्या प्लानिंग है आगे का? अभी हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तय करने में लगे हुए हैं। इसी बीच चाह रहे हैं कि आनंद किशोर जी से एक बार फेस टू फेस हमारी मुलाकात हो और जिन जिन प्रश्नों पे आपत्ति की गई है उनको लेकर उनका एक्सपर्ट क्या कहता है और बोर्ड का क्या रुख है। हम चाहते हैं कि आनंद किशोर जी खुद अपना रुख स्पष्ट करें। पहले बात चल रही थी कि जिन प्रश्नों पे आपत्ति की गई है उनके बदले में मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अचानक अभी 2-3 दिन पहले बोर्ड के सचिव अनूप कुमार सिन्हा ने बयान दिया कि गलत प्रश्नों को जिन पे आपत्ति की गई है उनको हटा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तो फिर सरासर धोखा है। पहले कुछ और बोला जा रहा था, अब कुछ और बोला गया है। तो इसलिए जो अभ्यर्थियों में एक आक्रोश है, वो चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन हो जिसकी रूपरेखा बहुत जल्द तय की जाएगी। 2-4 दिनों में इसके डेट अनाउंस किए जाएंगे। इनवैलिड वालों के मामले में भी अनंत किशोर जी ने अभी तक अपना कुछ रुख स्पष्ट नहीं किया है। इस मामले में भी उनसे बातचीत होनी है। अच्छा, ये आंदोलन की जो बात कर रहे हैं तो ये किस मीटर पे आंदोलन होगी? आखिर आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? क्या फायदा मिलेगा आंदोलन करने से? या आप लोग इंतजार करना चाहेंगे संशोधित रिजल्ट की? आखिर इंतजार कब तक करेंगे? ये तो अभी कुछ साथियों से मुझे खबर मिला है, जो बोर्ड के अंदर कुछ कर्मचारी है उनसे खबर मिला है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये खबर गलत है या सही है, कि अभी अंदर का काम सब ठप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, कोई काम हो नहीं रहा है। अब मे भी 28 तक काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? दूसरी चीज है, जब आपत्ति आया था, आपत्ति के लिए डेट दिया गया था कि जिन प्रश्नों पे आपको डाउट है उन पे आपत्ति आप लोग करें। लोगों स्टूडेंट ने अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया, उसके बाद आपने फिर कहा कि उन प्रश्नों के बदले में अंक दिया जाएगा, तो आप अचानक मुकर कैसे सकते हैं? ये तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है, धोखा है। और आपने अभी तक इनवैलिड वालों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ समय निकालना चाह रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? इसलिए आंदोलन होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। न्यायिक टीटी संघ इसका कमान फिर से संभालेगा। तो ये संभावना कब तक है आपकी आंदोलन करने की? ये मंगल या बुध को या मंगल को में भी हम अनाउंस कर देंगे कि अगला आंदोलन हमारा कब होगा। 2-4 दिनों का हम समय लेंगे, उसके बाद में भी 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। 16 या 17 हो सकता है। ओके, हिंदी क्लब पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए अब हम क्वालिफाइड ग्रुप को जो रन कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, रिंकू मिश्रा जी से। रिंकू मिश्रा जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बहुत चर्चाएं सुन रहे हैं हम, क्वालिफाइड ग्रुप को आप रन कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आगे कि आपकी क्या रणनीति है इसके लिए। सर
सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार जैसे राज्य जो कि शिक्षा के लिए प्राचीन काल से जाना जा रहा है, उस राज्य का एक नागरिक हूं मैं। और सर, आगे के लिए जो हमारा अभी वर्तमान में जो चल रहा है, आज परसों हमारे कुछ साथी छपरा के जो हैं, वो मुख्यमंत्री जी छपरा आ रहे हैं, उन्हें हमारे मांग पत्र सौंपने वाले हैं। और उस मांग पत्र पे मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अच्छे, मांग पत्र की आपने बात की, क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि मांग पत्र में आप लोगों की मांग क्या है? जी सर, बिल्कुल। हमारे मांग पत्र के अंदर 9 बिंदु हैं। पहला है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो अति शीघ्र शुरू की जाए। ओके। दूसरा पॉइंट है कि बहाली प्रक्रिया में दिसंबर 2017 तक की रिक्ति को जोड़ा जाए। तो एक मिनट में यहाँ रुकना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अगर दिसंबर तक की रिक्तियां को जोड़ा जाएगा, क्या इसमें और समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको? सर, दिसंबर 2017 तक की रिक्तियों में समय इसलिए नहीं लगेगा कि टीईटी की परीक्षा से 2-3 महीने पूर्व ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे सूचनाओं मीडिया के माध्यम से हमें ये सूचना मिल चुकी है कि सरकार ने सभी डीओ को, सभी बीईओ को, प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से दिसंबर 2017 तक की रिक्तियों का विवरण मांगा है। और जहां तक कुछ प्रखंड पदाधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने भेज भी दिया है। तो लगभग जो आज से 1 महीने पहले के अखबार की जो सूचना है, जब रिजल्ट आया था उस समय की सूचना है। हाँ, उस समय की सूचना ये है कि 19 जिलों ने तो रिक्तियां अपनी दे भी दी है। तो इस दृष्टि से जो है इसमें ज्यादा समय लगने वाला है नहीं। ओके, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया था क्योंकि कुछ लोग भयभीत हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो देर हो सकती है। ओके, अगला मांग बताया जाए। अगली मांग ये है कि बहाली प्रक्रिया को केंद्रीकृत और ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि समय की बचत व प्रक्रिया सरल व पारदर्शी हो, क्योंकि जो पुरानी जो प्रक्रिया थी काफी जटिल थी, उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का जो है लगभग 100-100 नियोजन इकाइयों में चयन हो गया और जो दूसरे योग्य अभ्यर्थी थे उनका नहीं हो पाया। तो यदि केंद्रीकृत और ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो समय की भी बचत होगी और सभी लोगों का नियोजन भी हो जाएगा, बहाली भी हो जाएगी। अच्छा, ये बार बार यूज हो रहा है टर्म केंद्रीकृत किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, तो ऑनलाइन तो सभी को पता है कि ऑनलाइन कर दिया जाता है जो नेट के थ्रू होता है, लेकिन केंद्रीकृत करने का क्या मतलब है, कैसे बहाली होगी? केंद्रीकृत का 2 प्रस्ताव है सर, यदि हमारी सरकार अगर सुनती है। पहला प्रस्ताव ये है कि राज्य स्तर पर केंद्रीकृत हो ये कि सरकार ऑनलाइन फॉर्म ले, उसके अंदर जिले जो है वो जिलों का क्रम संख्या भरवा ले कि कौन सा व्यक्ति कौन से जिले में जाना चाहता है, और 38 जिले हैं तो 38 जिलों की क्रम संख्या हम भर देंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एक जिले के अंदर 10 नियोजन इकाइयां होगा, उन नियोजन इकाइयों को भी क्रमवार हम भर सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति के मार्क्स या जिस व्यक्ति का जो औसत मेधा अंक बनता है वो सुपीरियर है तो स्वाभाविक सी बात है उसको प्रथम वरीयता का जिला दे दिया जाए, तो प्रथम वरीयता का प्रखंड उसको दे दिया जाए, नियोजन इकाई दे दी जाए, जिससे कि बहुत ही ज्यादा सुविधा हो जाएगी। इससे हर व्यक्ति का नियोजन हो जाएगा, हर व्यक्ति, हर सीट, हर विद्यालय को जहाँ अध्यापक मिलेगा वहीं हर अभ्यर्थी को स्कूल भी मिल जाएगा, और 5-7 चरण लगाने की भी सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे सर क्या आगे मांग क्या है सर? कि बहाली प्रक्रिया जो है आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो फर्जी जो टीचर हुए हैं वो तो फर्जी टीचर ना हो पाए। ओके, और आगे? उसके बाद में अगला है कि पूर्व की जो जटिल प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए। ये पूर्व की जटिल प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? जटिल प्रक्रिया से तात्पर्य ये है कि जैसे कि पहले कई लोगों को ये होता था कि मुखिया के पास जाएं, औरों के पास जाएं, फिर जो है वो 5 चरण 4 चरण 3 चरण 2 चरण, तो वो चरण वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाए, मुख्यतः वो केंद्रीकृत वाले में ही आ जाती है। अच्छा, आगे की मांग? और सातवीं मांग ये है कि जो डीएलएड के परीक्षार्थी हैं, जो कि 2011 के उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, डीएलएड में भी एडमिशन ले चुके हैं 14, 16 में 15, 17 में, और उनकी परीक्षा नहीं हो पाई जबकि उनकी परीक्षा अभी तक हो जानी चाहिए थी, और इनमें उन परीक्षार्थियों का कोई दोष नहीं है,
ये सरकार का काम है परीक्षा लेना, रिजल्ट निकालना, और उन परीक्षार्थियों का नियोजन जो है, नियोजन में अगर सरकार ये चाहती है कि ट्रेंड पूरी तरह हो, उनके पास अंक तालिका हो, तो उनका नियोजन नहीं हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कंडीशनल नियुक्ति हो जाए। तो इस पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा ना? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा सर, कंडीशनल नियुक्ति ये हो कि सरकार एक वर्ष का समय दे दे, और एक वर्ष में सरकार परीक्षा भी ले ले डीएलएड की उनकी, और एक वर्ष में जो है उनको फिर जो है जो पास हो जाते हैं उनकी नियुक्ति स्थायी हो जाएगी, जो पास नहीं हो जाते उनका सरकार जो करना चाहे वो करे। तो ऐसा फर्क उन लोगों का भी तो पड़ेगा, मान लीजिए किसी का एज खत्म हो रहा है और वो टीटी क्वालिफाइड है लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नहीं बन पा रहा है, यानी वो पुराने हैं, और आप जानते हैं कि जो पुराने अभ्यर्थी थे तो उस समय एकेडमिक परसेंटेज थोड़ा कम था। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। अगर यही केंद्रीकृत प्रक्रिया हुई होती तो आज 2012 की 90,000 सीटें खाली नहीं होती। ओके, और आपकी आगे की मांग? आठवीं मांग ये है कि जो टीईटी का जो संशोधित रिजल्ट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाना है उसे अति शीघ्र जारी किया जाए, और जो सर्टिफिकेट है, जो अंक तालिकाएं हैं, वो जल्द से जल्द जो है विद्यार्थियों को प्रदान हो ताकि बहाली प्रक्रिया शुरू हो। और एक मांग और है कि जो नौवां मांग ये है कि बिहार के अंदर जो भी बहाली हो उसमें बिहार के नागरिकों को प्राथमिकता मिले। ओके, और यहाँ पे मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो चर्चा चल रही है जो संशोधित रिजल्ट की, उसके बारे में क्या कहना है, किस तरह के बदलाव आने की संभावना है? देखिए सर, संशोधित रिजल्ट की जो चर्चा चल रही है, क्योंकि आपने आप भी जानते हैं कि दो उर्दू वाला जो टीईटी थी उसके अंदर हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उस डिसीजन के अनुरूप जो बोर्ड जो है वो बोनस अंक नहीं दे सकती। आईआईटी जी और जो केंद्रीय लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर भी यदि कोई क्वेश्चनों पर आपत्ति की जाती है, उस क्वेश्चन को गलत माना जाता है, तो उस क्वेश्चन को हटाकर जितने क्वेश्चन रह जाते हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट निकलता है। तो चूंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है उसको ओवर रूल तो बोर्ड नहीं कर सकती, मेरे जहां तक मैं कानून का जानकार हूँ उस कानून के अनुसार तो ओवर रूल नहीं कर सकती। दो चार क्वेश्चन जो और होगा उस क्वेश्चनों की मार्किंग जो है वो उस क्वेश्चनों को हटाकर बाकी ऊपर परसेंटेज निकाल कर और रिजल्ट निकाला जाएगा, और रिजल्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा अंतर होगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसने वाइटनर नहीं लगाया है, उसके साथ उसकी कॉपी की सही स्कैनिंग नहीं हो पाई, उस स्कैनिंग नहीं हो पाने के कारण उसका रिजल्ट रुका है, तो 200-500 लोग हो सकता है ज्यादा पास हो सकते हैं, हो सकता है जो बाउंड्री लाइन पर 150 लोग हैं उनके भी रिजल्ट में ज्यादा अंतर इसलिए नहीं आएगा। मान लीजिए दो क्वेश्चन हटता है तो हो सकता है उनके उन्होंने जो गलत किए हैं वही क्वेश्चन हटे, वो क्वेश्चन हटता है तो उनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बढ़ेगा, अंक वही रहेगा। कुछ 150 लोगों का हो सकता है कि रिजल्ट प्रतिकूल आ जाए और 500 लोगों का रिजल्ट जो है वो सकारात्मक भी आ जाए, परंतु रिजल्ट नंबर ऑफ रिजल्ट के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, 1,000-2,000 का ही पड़ेगा जो मेरा मानना है। ओके, और क्या संभावना है, कब तक संशोधित रिजल्ट आने की संभावना लग रही है आपको? मुझे संशोधित रिजल्ट जो है वो 15 से 20 तारीख के बीच में आने की संभावना लग रही है। ओके, इसका मतलब अगर संपूर्ण आपकी बात की जाए तो 13 तारीख को जो छपरा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनको आप लोग मांग पत्र देने वाले हैं, और साथ में आप ये संभावना जता रहे हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में संशोधित रिजल्ट आएगी। ओके, रिंकू जी, हिंदी क्लब पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आते हैं आप कंक्लूजन पे, तो देखा जाए दोनों पक्षों की बात सुनने पे ऐसा लग रहा है कि पहली बात कि बोर्ड को पूरी तरीके से स्पष्ट बताना होगा कि आगे वो क्या कर रही है, साथ में किस दिन संशोधित रिजल्ट आने की संभावना है ये भी जल्द से जल्द बताना होगा, यानी पूरी बात स्पष्ट करना होगा। अगर आप पहली बार हिंदी क्लब को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि प्रत्येक वीडियोस को आप देख सके और सबसे पहले आप देखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।